उन्नाव में जो पीड़ित परिवार है वो काफी डरा हुआ था और वो खुल के बात भी नहीं कर पा रहा था, और जिस तरह अंडर एबनॉर्मल सर्कमस्टांसिस में वो तीनों बच्चियां पाई गई, तो मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि वो जिस थ्योरी को गढ़ने की कोशिश की जा रही थी सुसाइड वाली, कि वो सुसाइड संभव नहीं है जिस तरह जिस हालात में वो बच्चियां मिली। और जो अभी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, मैं समझता हूँ इसकी ईमानदारी से जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के। इसके साथ साथ हम लगातार देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो गई है, जंगल राज उत्तर प्रदेश में स्थापित हो चुका है, एक के बाद एक महिलाओं के उत्पीड़न जारी हैं, बलात्कार के केसेस बढ़ रहे हैं, और यहाँ ना अनुसूचित जाति जनजाति के लोग सुरक्षित हैं, ना पिछड़े वर्ग के लोग सुरक्षित हैं, ना माइनॉरिटीज़ के लोग सुरक्षित हैं, ब्राह्मणों की भी हत्या हो रही है। और इसके साथ साथ कई बार तो इस तरह की वीडियोज़ देखने में आती हैं कि थाने में घुस के कुछ गुंडे पुलिस वालों को भी पीट रहे हैं। तो योगी जी मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे हैं और उनको इस्तीफा देना चाहिए। इन सारी घटनाओं के ऊपर उनकी मॉरल ड्यूटी बनती है।